हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज हम बात करेंगे ऑल न्यू इग्निस 2022 के एक ऐसे वेरिएंट के बारे में जिसे आप देख के बता ही नहीं सकते ये कौन सा वेरिएंट है। ये इसका सिग्मा बेस वेरिएंट। जी हाँ, इसमें आपको एडिशनल एक्सेसरीज ऑफर की गई है जो इसके लुक को बहुत ही प्रीमियम और टॉप मॉडल जैसा लुक बना देता है। वही बात करते हैं इसके वेरियंट्स की, तो इसमें आपको चार डिफरेंट वेरियंट ऑफर किए जाते हैं जो कि सिग्मा, डेल्टा, अल्फा एंड जेटा। एंड स्टार्ट करते हैं फ्रंट से, तो यहाँ पे आपको हेलोजन हेडलैम्प्स ऑफर की जाती है इसके बेस वेरिएंट में विटर्न इंडिकेटर के साथ। नीचे की तरफ आपको हेलोजन फॉग लैम्प्स दिए गए हैं, ये एक्सेसरीज का पार्ट है। एंड यहाँ पे आपको डुअल टोन बम्पर दिया गया है सिल्वर एंड बॉडी कलर फिनिश में। ऊपर की तरफ आपको फोर स्पोक फ्रंट ग्रिल दी गई है। यहाँ पे आपको क्रोम सराउंड भी देखने के लिए मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छा लगता है और इसके लुक को एनहेंस कर देता है। यहाँ पे मैनुअल वाइपर्स ऑफर किए गए हैं और कुछ ऐसे देखने में आता है इसका साइड लुक। यहाँ पे आपको अलॉय व्हील्स दिए गए हैं एज एन पार्ट ऑफ एक्सेसरीज। यहाँ पे आपको स्टाइलिश अलॉय व्हील्स देखने के लिए मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे बात करते हैं टायर साइज की, तो 195/65 R15 का टायर साइज दिया गया है। एंड कुछ ऐसे देखने में आता है इसका साइड लुक। बात करते हैं डायमेंशंस की, तो वो आपको विजिबल हो रही होगी स्क्रीन पे। 180mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है आपको इसमें। यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश में ORVMs दिए गए हैं विटर्न इंडिकेटर के साथ। एंड फेंडर पे भी आपको इंडिकेटर दे दिया है जो इसके लुक को थोड़ा सा डाउन कर देता है। यहाँ पे रूफ माउंटेड एंटीना दिया गया है और कुछ ऐसे देखने में आता है इसके साइड लुक। वहीं चलते हैं अंदर की तरफ, यहाँ पे बॉडी कलर डोर हैंडल मिल जाते हैं और कुछ ऐसे देखने में आता है इसके डोर का लुक। यहाँ पे आपको ऑल ब्लैक डोर दिया गया है एंड राउंड फिनिश में ग्रैब हैंडल दिया गया है जो कि बहुत ही यूनिक है। यहाँ पे फ्रंट टू पावर विंडो ऑफर किए गए हैं विद NPR ब्लैक फिनिश में डोर हैंडल। यहाँ पे नीचे की तरफ स्पीकर ग्रिल मिल जाती है एंड एक वाटर होल्डर भी दिया गया है। एंड कुछ ऐसे देखने में आता है इसका इंटीरियर कैबिन का लुक और कुछ ऐसे दिखती है इसकी फ्रंट ड्राइवर सीट। यहाँ पे आपको फोर वे मैनुअली एडजस्टेबल सीट मिलती है विद फैब्रिक अपॉस्टी के साथ। कंफर्टेबल सीट दी गई है। यहाँ पे सिक्स वे लीवर दिया गया है। यहाँ पे पेडल्स देखने के लिए मिल जाते हैं एंड यहाँ पे हुड को ओपन करने के लिए लीवर दिया गया है। वहीं ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको अलार्म एंड यहाँ पे फॉग लैम्प्स के लिए कंट्रोल एंड हेडलाइट आई रजिस्टर। एंड यहाँ पे राउंड फिनिश में AC वेंट्स दिए गए हैं विद ग्राफिक्स के साथ। एंड चलते हैं अंदर की तरफ और बात करेंगे इसके सेफ्टी और फीचर्स के बारे में। इसमें आपको थ्रू एयरबैग्स, ABS विद EBD, ब्रेक असिस्ट एंड ओवर स्पीड वार्निंग जैसे फीचर्स मिलते हैं। एंड बात करते हैं स्टेयरिंग की, तो यहाँ पे आपको नॉर्मल स्टेयरिंग दिया गया है। यहाँ पे कोई भी लेदर फिनिश नहीं मिलती है एंड सिल्वर फिनिश देखने के लिए मिल जाती है इसके स्टेयरिंग पे। डुअल टोन स्टेयरिंग दिया गया है, सुजुकी का लोगो। एंड यहाँ पे आपको वही सिंपल सा स्पीडोमीटर ऑफर किया गया है जो डिजिटल स्पीड और नीचे MID शो करता है। बाकी बात करते हैं इसके डैशबोर्ड की, तो क्लियर व्यू आ जाता है इसके डैशबोर्ड से और यहाँ पे भी आपको ग्राफिक्स देखने के लिए मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे आपको टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम ऑफर किया गया है जो कि एक्सेसरीज का पार्ट है विद USB ऑक्स एंड ब्लूटूथ ऑप्शन के साथ, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। यहाँ पे साइड में 2 AC वेंट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। नीचे की तरफ आपको हैजार्ड लैम्प के लिए कंट्रोल, यहाँ पे आपको वाइपर्स के लिए कंट्रोल दिए गए हैं एंड राइट साइड आपको हेडलैम्प्स के लिए कंट्रोल मिल जाते हैं। मैनुअल हेडलैम्प्स एंड वाइपर दिए गए हैं। नीचे आपको हैजार्ड लैम्प के लिए कंट्रोल दिया गया है। वहीं चलते हैं नीचे की तरफ, तो यहाँ पे आपको मैनुअल AC के लिए कंट्रोल्स मिल जाते हैं एंड यहाँ पे फैन स्पीड एंड टेम्परेचर के लिए लीवर मिल जाता है। पे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ पे थोड़ी स्पेस मिल जाती है एंड 2 बॉटल होल्डर मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स ऑफर किया गया है। नीचे की तरफ आपको हैंड ब्रेक और थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है। एंड यहाँ पे भी आपको थोड़ी बहुत स्पेस देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे पैसेंजर साइड भी आपको 6-way मैनुअली एडजस्टेबल सीट दी गई है। एंड बात करते हैं ग्लोव बॉक्स की, तो यहाँ पे आपको 2 सेपरेट स्पेस मिल जाते हैं इसके ग्लोव बॉक्स में। ऊपर की तरफ भी स्पेस दी गई है। एंड यहाँ पे आपको मैनुअल IRVM ऑफर किया गया है। एंड बात करते हैं रीडिंग लैम्प की, तो यहाँ पे हेलोजन ही देखने के लिए मिलती है। एंड पैसेंजर साइड आपको वैनिटी मिरर नहीं दिया गया है एंड ड्राइवर साइड भी आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। इसमें आपको फ्रंट में MacPherson स्ट्रट सस्पेंशन दिया गया है एंड रियर में टॉर्जन बीम सस्पेंशन मिलता है। फ्रंट में डिस्क एंड रियर में ड्रम ब्रेक्स ऑफर किए गए हैं। 2 ईयर 40,000 किलोमीटर की वारंटी के साथ आती है ये। बाकी ओवरऑल जिस हिसाब से इसमें एक्सेसरीज लगाई गई हैं इसके लुक को अलग ही बना देता है। वहीं चलते हैं रियर की तरफ, तो यहाँ पे भी आपको बॉडी कलर डोर हैंडल्स दिए गए हैं। बाकी कुछ ऐसे देखने में आता है इसका रियर डोर, यहाँ पे ब्लैक फिनिश में डोर हैंडल्स और वही पुराने घुमाने वाले पावर विंडो के लिए कंट्रोल्स। यहाँ पे ग्रैब हैंडल, नीचे की तरफ एक बॉटल होल्डर और स्पीकर ग्रिल मिल जाती है। और कुछ ऐसे देखने में आ जाता है इसका इंटीरियर कैबिन का लुक, यहाँ पे इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट दिए गए हैं। बेंच फोल्डिंग सीट मिलती है विद फैब्रिक अपॉलिस्टी के साथ।
एंड यहाँ बात करते हैं लेग रूम की, तो ठीक ठाक स्पेस दी गई है इसके इंटीरियर कैबिन में। थ्री कलर में ऑफर की जाती है ये, जो कि है ब्लू, सिल्वर एंड वाइट। यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट नहीं दिया गया है, फैब्रिक सीट अपॉलिशी मिल जाती है एंड बेंच फोल्डिंग सीट दी गई है। और कुछ ऐसे देखने में आ जाता है इसके फ्रंट डैशबोर्ड का लुक। यहाँ पे आपको ऑल ब्लैक डैशबोर्ड दिया गया है। बाकी ओवरऑल लेग रूम एंड स्पेस वाइज बहुत ही अच्छी और डिसेंट कार है ये। यहाँ पे कुछ ऐसे देखने में आता है इसका डोर का लुक। यहाँ पे ठीक ठाक सेफ्टी दी गई है, यहाँ पे रूफ माउंटेड एंटीना मिल जाता है, यहाँ पे थोड़े ग्राफिक्स एंड एरोडायनामिकल डिजाइंस देखने के लिए मिल जाती हैं। बाकी कुछ ऐसा दिखता है इसका रियर लुक। यहाँ पे आपको हेलोजन टेल लैंप्स दिए गए हैं, वहीं नीचे की तरफ रिफ्लेक्टर्स देखने के लिए मिल जाते हैं एंड टू पार्किंग सेंसर्स ऑफर किए गए हैं। डुअल टोन बम्पर मिलता है सिल्वर एंड बॉडी कलर्ड में। यहाँ पे सुजुकी का लोगो, इग्निस की ब्रांडिंग मिल जाती है। बाकी बात करते हैं इसके बूट की, तो यहाँ पे बटन दिया गया है बूट को ओपन करने के लिए। लाइसेंस प्लेट के लिए लैंप मिल जाते हैं एंड इसमें आपको 260 लीटर का बूट स्पेस ऑफर किया गया है। इस वाले वेरिएंट में आपको कोई भी पार्सल ट्रे ऑफर नहीं की जाती है। एंड बात करते हैं स्पेयर टायर की, तो वो भी आपको सेम साइज का ऑफर किया जाता है, जो कि 175/65 R17, बट वो आपको स्टील रिम दिया गया है, इसमें आपको अलॉय व्हील नहीं दिया गया है। वहीं एट लास्ट बात करते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की, तो इसमें आपको 1.2 लीटर का VVT पेट्रोल इंजन ऑफर किया जाता है, जो कि प्रोड्यूस करता है 82 BHP एंड 113 न्यूटन मीटर पावर का टॉर्क। एंड बात करते हैं इसके ऑन रोड प्राइस की, तो वो आपको विजिबल हो रहा होगा स्क्रीन पे। बाकी जिस हिसाब से इसमें एक्सेसरीज लगाई गई हैं, तो इसे कोई पहचान ही नहीं सकता कि ये इसका बेस वेरियंट है। एंड एट लास्ट, अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी एंड इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपकमिंग वीडियो। Thank you.